इस बात के प्रमाण है कि मेंढक पृथ्वी पर 200 मिलियन से अधिक वर्षों से घूम रहे हैं। कम से कम डायनासोर जितना लंबा। दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक पश्चिम अफ्रीका का गोलियत मेंढक है। ये 15 इंच तक बढ़ सकता है और इसका वजन 7 पाउंड तक हो सकता है। एक गोलियत मेंढक का कंकाल फ्रॉग्स एक ऑर्डर ऑफ कलर्स में दिखाया गया है। सबसे छोटे में से क्यूबन ट्री टॉड है, जो आधा इंच लंबा होता है। जबकि जंगली में मेंढकों के जीवन काल अज्ञात है। खेत में मेंढक 20 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर में मेंढकों की 6000 से अधिक प्रजातियां हैं। वैज्ञानिक नए की खोज जारी रखते हैं। टोड मेंढक हैं। शब्द टोड आमतौर पर उन मेंढकों के लिए उपयोग किया जाता है जिनकी त्वचा मस्सा और सूखी होती है, साथ ही साथ छोटे हिंद पैर भी होते हैं। मेंढक शरीर क्रिया विज्ञान मेंढकों की रात्रि दृष्टि उत्कृष्ट होती है और वे गति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अधिकांश मेंढकों की उभरी हुई आंखें उन्हें सामने बाजू और आंशिक रूप से पीछे देखने की अनुमति देती हैं। जब एक मेंढक भोजन निगलता है तो वे भोजन को अपने गले से नीचे धकेलने में मदद करने के लिए अपनी आंखों को अपने मुंह की छत में खींचता है। मेंढक मुखर डोरियों वाले पहले भूमि वाले जानवर थे। नर मेंढकों में मुखर थैली होती है, त्वचा के पाउच जो हवा से भरते हैं। ये गुब्बारे मेगाफोन की तरह गूंजते हैं और मेंढक की कुछ आवाजें एक मील दूर से सुनी जा सकती हैं। हरकत अपने लंबे पैरों से लॉन्च किए गए, कई मेंढक अपने शरीर की लंबाई से 20 गुना अधिक छलांग लगा सकते हैं। कोस्टा रिकन उड़ने वाला पेड़ मेंढक अपने पैरों की मदद से शाखा तक चढ़ता है। मेंढक की उंगलियों और पैर की उंगलियों के बीच बद्धाई फैली हुई है, जिससे मेंढक को सरकने में मदद मिलती है। छलावरण पर्यावरण में घुलने मिलने के लिए। बजट के मेंढक का रंग मैला भूरा होता है, जबकि वे तनाव इकाई वाले मेंढक की धब्बेदार त्वचा और उभार होते हैं, जिससे वे काई या लाइकन की छोटी गुच्छों की तरह दिखते हैं। कई जहरीले मेंढक जैसे कि गोल्डन पॉइजन फ्रॉग और डाइंग जहर मेंढक शिकारियों को उनके खतरनाक जहरीली खाल के बारे में चेतावनी देने के लिए साहस पूर्वक रंगे हुए हैं। कुछ रंगीन मेंढक जैसे कि फोर्ट रैंडोल्फ डाकू मेंढक ने सह अस्तित्व वाली जहरीली प्रजातियों के समान रंग विकसित किया है। हालांकि उनके खाल जहरीली नहीं होती, लेकिन ये नकलची खतरनाक दिखने के कारण शिकारियों से सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। चरम सीमाओं से बचे सभी उभयचरों की तरह मेंढक ठंडे खून वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर का तापमान उनके परिवेश के तापमान के साथ बदलता रहता है। जब तापमान गिरता है तो कुछ मेंढक तालाबों के तल में भूमिगत या कीचड़ में खुदाई करते हैं। वे वसंत तक इन बिलों में हाइब्रोनेट करते हैं, पूरी तरह से शांत और मुश्किल से सांस लेते हैं। लकड़ी का मेंढक आर्कटिक सर्कल के उत्तर में रह सकता है, जो हफ्तों तक जीवित रहता है और उसके शरीर का 65% हिस्सा जम जाता है। ये मेंढक अपने रक्त में ग्लूकोज का उपयोग एक प्रकार के एंटीफ्रीजर के रूप में करता है, जो इसके महत्वपूर्ण अंगों में केंद्रित होता है, उन्हें क्षति से बचाता है जबकि शरीर के बाकी हिस्से ठोस रूप से जम जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई जल धारण करने वाला मेंढक एक रेगिस्तानी निवासी है, जो बारिश के लिए 7 साल तक इंतजार कर सकता है। ये भूमिगत हो जाता है और अपने आप को एक पारदर्शी कोकून में घेर लेता है, जो कि अपनी ही छिलका से बना होता है। मेंढक मीठे पानी के जीव हैं। हालांकि कुछ मेंढक जैसे कि फ्लोरिडा तेंदुआ मेंढक खारे या लगभग पूरी तरह से खारे पानी में रहने में सक्षम है। संभोग और हैचिंग लगभग सभी मेंढक मादा के शरीर के बाहर अंडों को निषेचित करते हैं। नर मादा को कमर के चारों ओर एक संभोग गालिंगन में रखता है, जिसे एम्प्लेक्सस कहा जाता है। वह अंडों को निषेचित करता है जैसे मादा उन्हें देती है। एम्प्लेक्सस घंटों या दिनों तक चल सकता है। इंडियन टॉड की एक जोड़ी 4 महीने तक एम्प्लेक्सस में रही। मार्सुपियल मेंढक अपने अंडों को कंगारू की तरह एक थैली में रखता है। जब अंडे से टैडपोल बनते हैं तो वे अपने पैर की उंगलियों से थैली खोलती है और उन्हें पानी में गिरा देती है। पिपा पिपा दक्षिण अमेरिका का सूरीनाम टोड मेंढक के साथ एक मादा का एक बड़ा मॉडल संग्रहालय के हॉल ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन में चित्रित किया गया है। उसके युवा को उसकी पीठ की त्वचा में एम्बेडेड करता है। संभोग के बाद अंडे धीरे धीरे मादा की पीठ में डूब जाते हैं और अंडों के ऊपर एक त्वचा का पैड बनता है। विकासशील किशोर मेंढक अंडे सीने से पहले कई दिनों तक अपनी जेब के अंदर दिखाई देते हैं। वे कुछ दिनों में उभर आते हैं, पहले अपना सिर और फोर लेग बाहर निकालते हैं, फिर मुक्त संघर्ष करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का गैस्ट्रिक ब्रूडिंग मेंढक अपने निषेचित अंडे निगलता है।
टैडपोल 8 सप्ताह तक उसके पेट में रहते हैं, अंत में छोटे मेंढकों के रूप में उसके मुंह से निकल जाते हैं। ब्रूडिंग अवधि के दौरान गैस्ट्रिक स्राव बंद हो जाता है, अन्यथा वे अपनी संतान को पचा लेती। डार्विन मेंढकों में ये नर है जो विकासशील टैडपोल को अपनी मुखर थैली में निगलता है और तब तक संग्रहित करता है जब तक कि किशोर मेंढक नहीं निकलते।